हेलो दोस्तों, फिर से एक नया वीडियो में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, आज का वीडियो में हम बात करेंगे जो इलेक्ट्रिक गीजर होता है उसमें क्या क्या इलेक्ट्रिकल पार्ट्स होता है और उसका वायरिंग कनेक्शन कैसे करना चाहिए। तो दोस्तों, ये वीडियो को लास्ट तक बने रहिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ अभी मेरे चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए। दोस्तों, गीजर का काम होता है पानी का गर्म करना, ठीक है। तो पानी को गर्म करने के लिए गीजर में एक हीटिंग कॉयल रहता है। तो हीटिंग कॉइल को ऑटोमेटिक कट ऑफ करने के लिए एक ऑटोमेटिक थर्मोस्टाट भी रहता है। दोस्तों, थर्मोस्टाट का काम क्या होता है? थर्मोस्टाट क्या करता है, उतना टेम्परेचर आप उसमें सेट करेंगे तो उतना टेम्परेचर गर्म होने के बाद वो बंद पड़ जाएगा, मतलब ऑटो कट हो जाएगा। और जो पार्ट है दोस्तों, एक 3-पिन प्लग है। गीजर चल रहा है या बंद पड़ा है उसको जानने के लिए इंडिकेटर स्विच है, ऑन इंडिकेटर स्विच है और एक ऑफ इंडिकेटर स्विच है। बेसिकली ये मेन पार्ट है एक गीजर का। और अभी देखते हैं उसका वायरिंग कनेक्शन कैसे करना चाहिए। आई होप दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को प्लीज़ लाइक भी कीजिए।